अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगी बॉडी मास्क अमेजिंग, आप फेस पे लगा सकते हो, फुल बॉडी पे लगा सकते हो, इट्स वाइटनिंग मास्क। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ट्रस्ट मी गाइस। एंड फीडबैक इसके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर दूँ। इट्स वेरी अमेजिंग, जिसके लिए हमें छोटी सी प्याली चाहिए। ठीक है जी, एंड इसमें हम गंदम का आटा ऐड करेंगे। गंदम का आटा इट्स वेरी 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 अमेजिंग, बिकॉज ये हमारी स्किन को वाइटनिंग का काम करता है एंड उसके साथ हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करता है। इट्स वेरी अमेजिंग। सो मैं इसमें 2 स्पून भर के डालूंगी। इट्स वेरी अमेजिंग, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चाहे तो आप राइस फ्लोर भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमने व्हाइट लूंगी। ठीक है जी, जो मैंने पहले ही मैंने गुम दिए थे। ठीक है जी, आप ग्रैंड भी कर सकते हो व्हाइट तिल। ठीक है जी, ब्राउन तिल भी आप ले सकते हो। तो मैं इसमें 2 स्पून डालूंगी व्हाइट तिल के। व्हाइट तिल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग का काम करता है। ठीक है जी, इट्स वेरी अमेजिंग। सो ये मैं 2 स्पून अब इसमें भर के ऐड करूँगी। सो उसके बाद हम इसमें लिक्विड राइस पाउडर डालेंगे। जो मिलाठी होती है, मिलाठी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, बहुत ज़्यादा वाइट करती है आपकी स्किन को। हम जो भी केमिकल वाला प्रोडक्ट लगाते हैं ना, इसमें मिलाठी लिक्विड राइस ज़रूर होता है, बिकॉज मिलाठी स्किन वाइटनिंग का काम करती है। जो भी आप वाइटनिंग की चीज़ यूज़ करो ना, तो उसमें पढ़ लिया करो, उसमें लिक्विड राइस ज़रूर होता है। ठीक है जी, इट्स वेरी अमेजिंग। सो मैं ये भी 2 स्पून भर के इसमें ऐड करूँगी। सो अपनी सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एंड इसमें मैं 1 लीमू ऐड करूँगी। लीमू में विटामिन सी होता है, जो हमारे वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। ठीक है जी, इट्स वेरी अमेजिंग बॉडी मास्क। आप फेस पे भी लगा सकते हो, जहाँ लगाओ आपकी मर्जी, बट इट्स वेरी अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस। सो इसमें मैंने 1 लीमू इसमें ऐड कर दूंगी। सो उसके बाद मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूंगी। ठीक है, जितना हमारा पैक रेडी हो जाए। सो मैंने उतना उसमें ऐड किया जितना मेरा पैक रेडी हो जाए। सो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जिसमें आपको दिखा रही हूँ। एंड लगाने का तरीका ऐसा है कि आप ना जितना मसाज करोगे अपनी बॉडी पे, उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इस होम रेमेडी, तो मसाज करोगे तो आपको ग्लो देगा। ठीक है जी, तो मैंने 20 मिनट के लिए मसाज किया था। एंड उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए ओनली रखा था, उसके बाद मैंने वॉश कर लिया। इट्स वेरी अमेजिंग होम रेमेडी। हमेशा ज़्यादा मसाज ही किया करो, बिकॉज वो केमिकल वाली चीज़ें नहीं है। आप रखेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। रखो मसाज करके फिर रखो। ठीक है जी, सो यहाँ आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है, मैंने वॉश कर लिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी अमेजिंग। एंड आपकी स्किन वेट ड्राई है, तो आप इसमें ना रोज़ वाटर कीप करके आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपकी स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है तो। ठीक है जी, इट्स वेरी अमेजिंग। एंड मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना कि इसका आपको रिजल्ट कैसा मिला। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने प्यारों के साथ। मैं ऐसे आपको मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।